नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं अशरफ खान। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। विश्व भर में कोविड 19 की क्षति को लेकर के फिर से एक बार पूरी दुनिया भया हुआ है। इससे भारतवर्ष भी कहीं अछूता नहीं है। सूरत शहर की अगर बात की जाए तो सूरत शहर में मनपा म्युनिसिपल कमिश्नर पंचानिधि पाने ने कड़े शब्दों में इसका आकलन किया और तैयारियां शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में हमने बातचीत की नरेंद्र साबू जी से, जो अध्यक्ष है सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के। अगर हम बात करें गुजरात में सूरत शहर की, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी भयावह टेक्सटाइल मार्केट में बनी हुई है, जहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर व्यवसाय किया जाए तो कैसा किया जाए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, और जो धंधे की स्थिति बनी हुई है, जो व्यवसायिक स्थिति बनी हुई है, वो नमी पड़ी है, धीमी गति से चल रही है। इसी बीच हमारे साथ ऐसे में सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी साबू जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के टेक्सटाइल मार्केट में, क्या प्रगति अतिशील है। नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार जी। 19 नवंबर से लापाचम से मार्केट चालू हुआ है, और पिछले 4-5 दिन में स्थिति खराब हो गई है। जो गुजरात की एक पीक आया था, उससे भी 5% ज़्यादा डेली मरीज आ रहे हैं, और उसको देखते हुए राज्य सरकार ने और लोकल प्रशासन ने यहाँ पर सावधानी रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। उस कर्फ्यू के चलते हुए व्यापारी आने से कतरा रहे हैं, और उनको डर है कि उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा या रैपिड टेस्ट करा जाएगा या RT-PCR करा जाएगा। पर अभी तक इसके कोई भी तंत्र का कोई खुलासा नहीं है, और उसको चलते हुए जो एक हम लोगों को माहौल था कि भाई दिवाली के बाद बहुत अच्छा बाज़ार चलेगा, पर अभी व्यापारी आने से डर रहा है, और इसका सरकार को पूरा खुलासा करना चाहिए, तो ही व्यापारी के मन से भय निकलेगा, तभी वो शांति से आके माल खरीदी कर सकेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तंत्र ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ पर एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे क्या कोई मदद मिल रही है मार्केट में? नहीं, ठीक है, वो ज़रूरी है। अरे, आज टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पर उसमें क्या है कि लोगों का ये कोई टेस्ट कराना कोई कंपलसरी नहीं है, लोगों की इच्छा के ऊपर है, और लोग थोड़ा घबराते हैं टेस्ट कराने से। उनको लगता है भाई अगर कल को पॉजिटिव आ गए, और एंटीजन जो रैपिड टेस्ट है उसकी 50% ही विश्वसनीयता है, कल को लोग पॉजिटिव आ गए तो उनको डर लगता है भाई 14 दिन का हमको क्वारंटाइन होना पड़ जाएगा। तो एक भय का माहौल है, उसके चलते व्यापार काफ़ी थोड़ा सुस्त पड़ गया है। इससे क्या संदेश जाता है पूरे भारतवर्ष में, जो कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अभी हमने देखा तमिलनाडु से आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से जो यहाँ पर आ रहे हैं, अगर साफ संदेश उनको नहीं मिलेगा तो उससे व्यवसाय क्या असर होगा? देखिए, ऐसा है, अभी आपने जो बोला तमिलनाडु का व्यापारी आया, ये लोग पहले के निकले हुए थे इसलिए यहाँ पे आ गए हैं, बाकी सब नए व्यापारियों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं, और जब तक कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगी व्यापारी नहीं आने वाला, और वो व्हाट्सएप पर या डिजिटली ऑर्डर दे देगा, पर वो व्हाट्सएप पर जो डिजिटल ऑर्डर होता है उसकी मात्रा करीबन 25% ही रह जाती है, तो व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद।